अभी कितना, 4:30 हुए, सवा तीन, 3:15 12 सितंबर हम अभी ट्रैक शुरू कर रहे हैं मधुमेश्वर के लिए। प्लान है बंतुली में रात को स्टे करेंगे। गोंदार अभी 4 किलोमीटर 250 हमें जो गोंदार तक पहुंचना है। जो नदी बहती है ये मधुगंगा मधुमेश्वर से निकली है। ये आगे जाके नीचे अलकनंदा में वहाँ मिल जाती है। वो जो सामने गांव दिख रहा है ये जो है गांव, ये गोंदार विलेज है। हमें इनसे और आगे 2 किलोमीटर बंतोली में हमें रुकना है। आज देख सकते हैं कितना
घना जंगल है और अभी बजे 4, शाम के 4 बजे हैं, 12 तारीख 12 सितंबर। शांति है यहाँ और हमारे सिवा और कोई नहीं है, पीसफुल एनवायरनमेंट। नेचर के आवाज़ सुनाई दे रहा है, पानी की आवाज़ सुनाई दे रहे है।
ये एक छोटा सा महेश मंदिर है। यहाँ पर भी शायद कोई रहा होगा। गोंदा दंतोली हमें जाना है 2 किलोमीटर 400। চলো ওখানে একটু বাজার ছিল, ঘুরতে হবে। বাজার করে তারপর রান্না করতে হবে। রান্না করা হবে सिर्फ 1/2 किलोमीटर पे अभी गोंदर गांव है, जहाँ हम थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये अभी हम गोंदर विलेज गोंदर गांव पहुंच गए। खेती है नीचे एक मंदिर है, जाने का रास्ता रुके हैं, शॉर्ट ब्रेक। ये यहाँ की भाभी जी मैडम जी चाय बना रही है हमारे लिए। की बोल रहे हैं? हाँ, अमर बांग्ला गैस पे है। टेम्पररी रास्ता बनाया गया है।
অনেক ভারী স্লাইড হয়েছে। ये संगम है, एक तो नदी यहाँ का, एक नदी होगा वहाँ का, यहाँ पर देखिए आप क्या आ गया है। लोअर बंटो जी और ऊपर जो है अपर बंटो जी। ये यहाँ पर संगम हो रहा है नदियों का, एक मध्यदूषा में जा रही है और एक बहुत सुंदर जा रही है। ये हम लोग रुके हैं यहाँ बीस्ट लॉज, ये अपना रूम है, अच्छा है, आज रात को ही स्टे करें। यहाँ की खेती हो रही है, देखिए कद्दू, ये सब बीन्स के हैं, बीन्स के हैं, बीन्स बहुत खाते हैं। ये राजमा बोलते हैं, राजमा शायद, राजमा एक खोल के देखिए, नहीं जाने दो, राजमा राजमा एक खोल के देखता हूँ मैं, राजमा है, किडनी बीन्स ना, किडनी बीन्स राजमा बोलते हैं ना, हाँ राजमा है ना, खोल दो, हाँ हाँ राजमा, दिखा दिखा, राजमा है यार, दिखा, मैं बोला राजमा है, ये राजमा की खेती होती है ना, हाँ राजमा है, ये राजमा की खेती, ये सब बड़े बड़े राजमा का है, पहली बार देखा हमने राजमा का पेड़। ये और क्या है, राजमा, ये तो मिर्च फलियां हैं, बेल बहुत है, ये कद्दू के, एक खाट कच्चा खा सकते हैं क्या इसको, नहीं है, है? खा सकते हैं, खा के देख, हाँ अभी अपने गांव में भी अभी आजकल बंद हो गया चूल्हा, तो हमारे चूल्हा बंद हो गया, हाँ पहले चूल्हा में बनता था गांव में, उज्ज्वला योजना योजना करके ना उन्होंने चूल्हा खत्म ही कर दिया, अभी तो गैस आ गया, सिगड़ी आ गई, हमारे गांव में भी अभी चूल्हा तो बंद ही हो गया, जैसे पहले रोटी बनाती, हाँ सुबह के 6 बजे है, रात भर बारिश थी, अभी भी बारिश हो रही है, आज है 12 सितंबर,
थोड़ी देर में हम तैयार होके निकलने का कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के अभी 6:30 बजे और हम लोग बंतुली में रुके थे। आपको बता दूं, हम 10 तारीख को सुबह नहीं 11 तारीख को सुबह हम बस पकड़े थे ऋषिकेश से सुबह 5 बजे और उखीमठ 10:30 तक उतर गए थे और उखीमठ से रांसी आते आते हमें 3 या 2:30 बज गए। फिर हमने फ्रेश हुआ, खाना खाया, फिर वहाँ से 3:30 बजे निकले रांसी से और रात को हम 6:30 बजे बंतोली में रुके। आज मौसम बड़ा बारिश हो रहा है और रात भर अच्छा बिजली कड़का था, अभी भी बारिश है। अभी हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन खुल तो गया, उजाला हो गया काफ़ी। अभी हम शुरू कर रहे हैं आगे की यात्रा। रेनबो दिखाई दे रहा है, देखिए अभी कैमरा में कितना दिख रहा है, लेकिन सही दिख रहा है। अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी हम शुरू कर रहे हैं, कितना बजा है? 7 बजा है। अभी मधुमहेश्वर 9.5 किलोमीटर के लगभग हमें आज पहुंचना है और बारिश तो हो ही रहा है, हल्का फुल्का बारिश चालू है। देखिए इस कहाँ से हम लोग रुके थे, यहाँ हम अब यहाँ से पूरी चढ़ाई है। ये अपर बंतुली, यहाँ भी रहने की व्यवस्था है। अभी बारिश रुक गई है, बादल अभी क्लियर हो गए, सामने का नज़ारा देखिए। यह पीक देख रहे हैं, कल
फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, सही नज़ारा है। अभी हम यहाँ से स्टीप चढ़ाई है, एंगल से समझ आ रहा है। ये अब थोड़ा जंगल एरिया आ रहा है, से बैरियर्स बने हुए सेफ्टी के लिए, और रास्ते भी साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन है, गंदगी नहीं है। क्योंकि आसमान थोड़ा थोड़ा खुल रहा है अभी, तो भी काफ़ी धुंध है। ये हम लोग अभी घटरा पहुंच गए। ये होटल पंचवटी, या भी रहने खाने की सुविधा है। इसके बाद नानू, मैं खंबा कंज मधमहेश्वर 7 किलोमीटर 300, ये एकदम आधे आधे है। यहाँ से नीचे उतरेंगे अंगोदली थार, वो भी 7,500 किलोमीटर। अभी आधे आधे पे आ गए हम लोग। यहाँ का फूल, जबरदस्त फूल फ्लावरिंग हुए हैं। ये क्या बादल दिख रहे हैं। यहाँ बात किया, यहाँ 200 रुपया पर पर्सन रूम का है, और खाने का जो है वो अलग। यहाँ भी बंतुली में नहीं रुकना चाहे तो यहाँ भी रुक सकते हैं, ये भी अच्छी जगह है। दीदी बुरुश क्या होता है? बुरुश 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 का जूस जैसे बोलते हैं। बुरांस? हाँ, ये बुरांस का जो ये पेड़ है छोटे, वहाँ पे बुरांस का जूस फूल होते हैं ना उसके। अच्छा, वो बुरांस के पेड़ है सर? नहीं, वो बड़े वाले, छोटे वाले, छोटे छोटे जो है वहाँ पे। दो बुरांस फूल होते हैं, ये मंडवा इसका रोटी बनता है, मंडवे की रोटी खाएंगे हम लोग आगे चल।
रास्ता भी सिर्फ चढ़ाई है। सात बजे हमने शुरू किया था, अभी 8:30 हो गए, चढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। काफी दिखाई देंगे। सवा 9 हो चुका है, अब नानू आ रहा है। यहाँ पर हम थोड़ा देखें कि यहाँ क्या मिलता है नाश्ते के लिए। यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। मधुमहेश्वर अब यहाँ से 5.5 किलोमीटर रह गया है। मैं खंबा फिर कौन चट्टी। हमने यहाँ नानू में नाश्ता किए, नाश्ता और चाय। अभी 10 बज रहे हैं, अब आगे का सफर चालू कर दिए। ये मड़ुओं की खेती है, इनकी रोटी बनती है। ये मड़ुओं की खेती है,
चल रहा है अभी चढ़ाई भी जंगल के रास्ते जाएगी अभी ये कुंड चट्टी मधमेश्वर अभी 4 किलोमीटर है ये है मैकम्बा ये मैकम्बा यहाँ हमने बैठ के दूध पिया का सफर तय कर रहे हैं मधमेश्वर यहाँ से भी 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लगभग है मधमेश्वर हर हर दो बज गए अभी भी 1.5 किलोमीटर और बाकी है टाइम अभी पहुँचेंगे अढ़ाई बजे शायद पहुँच जाए काफ़ी थक गए जो मंदोली से चले हैं पूरी खड़ी चढ़ाई है मधमेश्वर तक बीच में आपको कहीं सीधा रास्ता नहीं मिलेगा आपको पूरी चढ़ाई चढ़नी है हर हर महादेव अब यहाँ से काफ़ी चढ़ाई के बाद अब यहाँ से दर्शन होंगे मधमेश्वर जी का हम शायद पहुँच गए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव यहाँ सब स्टे है ये मधमेश्वर जी का धाम श्री महादेव मधमेश्वर
and we can stay. Om Shree Madhymaheshwar ji. यहाँ यूनियन सिस्टम है और हमारा स्टे अभी यहाँ हुआ है सतोष लॉज. ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कमरे हैं. ये कॉमन डॉर्मेंट्री 300 रुपया पर पर्सन. हमने ये लिया है दो जन के लिए 1000 रुपया पे करना पड़ा. सुबह हम 7 बजे निकले थे बंतुली से, अभी 2:40 हो गए और हम मनवेश्वर जी के यहाँ पहुंच गए.